हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में मैं लेके आया हूं क्लास नाइन का जीके ओलंपियाड का सोलूशन ये सेट बी है जो टेंथ अक्टूबर को हुआ है तो चलिए देखते हैं इसमें कैशन क्वेश्चन का लेवल कैसा था फिफ्टी क्वेश्चन था और वन आवर मिला था जनरल अवेयरनेस थर्टी क्वेश्चन करंट अफेयर टेन लाइफ स्किल फाइव और अचीवर सेक्शन फाइव क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं इनका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग मैनमल इन द वर्ल्ड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिग्मी पोसम क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमेट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी स्लोथ इज नॉट ए प्राइमेट क्वेश्चन नंबर थ्री सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी इसमें तो बी वाली है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर फोर में ये एक फ्लैग दिया गया है और पूछा है कौन से कंट्री से है ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोजाम्बिक का ये नेशनल फ्लैग है क्वेश्चन नंबर फाइव सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच इसमें सेटेलाइट दिया गया है कौन से प्लेनेट का कौन सा सेटेलाइट है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेटन कैलिस्टो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर सी ये इनकरेक्ट है जुपिटर गैनीमेड नेपट्टून ट्रिटर्न मार्स डिमोस फोबोस दो हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स करेक्ट आंसर ए हो जाएगा द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसको अम्ब्रेला एक्ट के नाम से बोला जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन रेड एनोड रेज तो कैथोड और एनोड साइंस में होती हैं तो इन इनकी खोज की थी ऑप्शन डी ई गोल्डस्टाइन ने क्वेश्चन नंबर एट विच प्लास्टिक स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुलाइट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर नाइन हॉर्स पावर इज द कॉमन यूनिट ऑफ पावर हाउ इज इट ऐसा यूनिट ऑफ पावर तो एक हॉर्स पावर में कितना वोट होता है तो so, मेरे ख्याल से ये इजी क्वेश्चन है सात सौ छियालीस वोट होता है क्वेश्चन नंबर टेन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पर क्वेश्चन नंबर इलेवन ड्यूरिंग लूनर इक्लास द रीजन ऑफ द सेट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए थ्री पार्ट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्टार तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सन ट्वेल्व ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच वॉज टाउन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बंदरगाह के रूप में कौन सा था लोथल थर्टीन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन उंट रुसमोर फीचर्स द फेसिस ऑफ आवर फॉर्मर यू एस प्रेसिडेंट दॉट तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोनाल्ड रेगन क्वेश्चन इज ए पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका तो बदायूं बदायूं बोला जाता है इनको ट्राइब्स को क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हेक्टर मैं वो विद ने टीम द गोल्ड मेडल ऑफ टू 2014 सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन गेम्स इन वेराक्रूज मेक्सिको. मैक्सिको विद विच स्पोर्ट इज ही एसोसिएटेड ही एसोसिएटेड विद बेस्ट जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही हार्ड है पता नहीं ये लोग कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17. द विनर ऑफ दादा साहब फालके अवार्ड 2020? 20 में किसको मिला था ये पूछा गया है अभी अभी 23 में भी मिले हैं ये दादा साहब फालके अवार्ड तो ये आशा पारेख को मिला था 2020 में हालांकि इनको इतने पुराने क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए क्योंकि 23 लेटेस्ट करंट के पूछने चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछा गया है ऑफ द कफ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समथिंग दैट इज इंपलसी और स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन नंबर नाइनटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जो न्यूज इंडिया के नाम से था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द बुक द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद जकारिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जेम्स बॉन्ड इज अ फिक्शनल करेक्टर वॉज क्रिएटेड बाय एन फ्लेमिंग हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी नैन ओस्कर ऑस्कर इंडिया के बहुत कम लोगों ने जीते हैं तो पहला किसने जीता था ये था भानु अथैया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री टी ऑफ इज एसोसिएटेड विद ये किस गेम से संबंधित है टी ऑफ तो ये गोल्फ से संबंधित है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर फॉरन प्ले फ्रेजिज आर कॉमनली यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज द मीनिंग ऑफ लैटिन फ्रेज ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाय दैट बाय दैट वेरी फास्ट बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ग्राम सभा इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्योंकि हम सरपंच में सरपंच को वोट डालकर चुनते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द अमेरिका अमेरिकालीफ दिइंग स्पोर्ट तो ये किस दिया जाता है ये दिया जाता है सेलिंग में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चंदोली नेशनल पार्क चंदोली कहाँ है तो ये है महाराष्ट्र में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ये एक रीजनिंग का डाइस का क्वेश्चन था तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फोर सी तो मैंने बताया था जिसमें कॉमन हो वो हम क्लॉकवाइज लिख लेंगे वन सिक्स टू वन फोर फाइव तो जो जिसके सामने है जो बच गया वो उसका ऑपोजिट होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाउजेंड करंट अफेयर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तो फॉलोइंग भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग ए फ्री स्टेट इन एन अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज बाई बुधांजलि रिसर्च फाउंडेशन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ को मिला ये जो यूपी के प्राइम ए, चीफ मिनिस्टर हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी टू करेक्ट आंसर एयर इंडिया जो एक न्यू सॉफ्टवेयर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ इन फ्लाइट इंसिडेंट ये इसने अनाउंस किया है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री करेक्ट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश है जिसने इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना शुरू की है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए द बॉय द द हॉर्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वट वॉज द थीम ऑफ सिक्स इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन डाकाइन में टू थाउजेंड थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी थ्री तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीस प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर ए रिसेलेंट फ्यूचर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स करेक्ट आंसर सी रिलायंस रिटेलर विच इज द फर्स्ट इंडियन रिटेलर तो ये रिलायंस रिटेल हो जाएगा थर्टी सिक्स सी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता है तो ये बात करें इंडिया ने ही जीता है एशिया एशिया गेम का कोई भी अगर हॉकी का होता है तो इंडिया जीतती है करंट चेयरमैन ऑफ आई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमाधव वैद थर्टी नाइन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा रेडियो जीपीटी इज अ वर्ल्ड फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो जीपीटी और कैरोस्क मिथ्स मिट सो टेकिस हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो ही इज रिलेटेड विद ग्रीक ग्रीस कंट्री से उसके बाद है लाइफ स्किल जो इस ओलम्पियाड का सबसे ईजिएस्ट पोर्सन है तो फोर्टी वन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फोर्टी टू का डी हो जाएगा फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री का सी हो जाएगा मेकिंग ए टू डू लिस्ट एवरीडे इज मेडली एवेस्टेज ऑफ टाइम क्वेश्चन नंबर 44 44 का डी हो जाएगा और 45 45 का डी हो जाएगा द कार्ड नो नोलम्बर उसके बाद अचीवर सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस ओलंपियाड का जिसका एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का है तो ये आपको मतलब आपका अच्छा स्कोर लाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इसके सभी क्वेश्चंस आपको कैसे ना कैसे करके करेक्ट करने ही हैं अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो फोर्टी सिक्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन दिस इज मेडागास्कर। लार्जेस्ट आइलैंड इन मेडिटेरियन सी ये सीसीली सीली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फायर ऑन द माउंटेन एडवेंटर इंडिया ये देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट फोर्टी एट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन टू फोर एंड फाइव ओनली फोर्टी नाइन का क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है अगर आपने किया है तो अगर आप हंड्रेड परसेंट श्योर हैं तो और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फिफ्टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक बार क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फिफ्टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो स्टूडेंट्स ये था क्लास नाइन क्लास नाइन का जीके ओलंपियाड का सॉल्यूशन आई होप आप इसमें अच्छा स्कोर लेके आएंगे अच्छी रैंक लेके आएंगे आप प्लीज अपने अपना स्कोर भी कमेंट में शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो